हाय एवरीवन, सो एक मिनट का टाइम दीजिए मुझे और एक मिनट आप ये वाली वीडियो जरूर देखिए। ये क्लिप चलने वाली है एक मिनट की, इसे जरूर देखिएगा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। विच इज SCI, ये मैंने बाय करा था ये पर्टिकुलर स्टॉक आज, बट पता नहीं क्या रीजन हुआ, क्योंकि मुझे मार्केट पे थोड़ी इंडेक्स के लिए फंड्स की नीडेड हो गई थी, तो उसके क्योंकि मैंने मार्केट पे विड्रॉ कर लिया था फ्राइडे को, क्योंकि मैं हर वीक विड्रॉ कर लेता हूं, तो मैंने फंड्स ऐड करना भूल गया था, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को मुझे एग्जिट करना पड़ा लॉसेस पे। बट अभी भी मैं इसे होल्ड कर लूंगा, कल मैं इस पे अपनी पोजीशन दोबारा बना लूंगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज कैडिला। ये स्टॉक मेरे रेडार में आज था, मतलब मैं कल आप लोगों को स्टॉक देना चाह रहा था, बट मैं पता नहीं किस रीजन से रुक गया, बट कोई बात नहीं, मैंने इस पर पर्सनली ट्रेड लिया था, मैंने क्लाइंट्स को ट्रेड नहीं करवाया है, मैंने खुद पर्सनली ट्रेड ले रखा है, अभी भी ये कैंडल में मैंने बाय कर रखा है, ठीक है। सो कल मैं आपको कह रहा हूं ये स्विंग ट्रेडिंग है, कल इंट्राडे के अंदर भी मुझे लग रहा अगर इसने 343 के लेवल को ब्रेकआउट दिया, 343 के लेवल को, ये कल इंट्राडे के अंदर मुझे लग रहा है एक दो दिन के अंदर 5-10% चले जाएगा। मुझे हम लोग अभी भी इसका फ्यूचर होल्ड करके बैठे हुए हैं, अराउंड हम लोगों ने बाय करा हुआ इसका फ्यूचर 336-335 के आसपास, अभी भी होल्ड है। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे और स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का। सो जैसा कि आप लोगों ने ये क्लिप देखी होगी, ये क्लिप है 4th of May को, जब मैंने ये स्टॉक्स की लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करी थी, पूरी वीडियो पे एनालिसिस करी थी कि इन 5 स्टॉक्स पे आप लोग ट्रेड लेकर चल सकते हैं। आज के ट्रेडिंग सेटअप के लिए मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी थी, बिकॉज मेरी आईज में थोड़ा सा स्ट्रेन पड़ रहा था मार्केट को देखते देखते, यूट्यूब पे वीडियो स्क्रीन को बार बार देखते देखते, सो मैंने सोचा एक दिन का पॉज लेना चाहिए, ठीक है। बट अगर आप उन स्टॉक्स को फॉलो करते, आप रिटर्न देखिएगा, आज सारे स्टॉक्स 5% से ऊपर का रिटर्न दी है, मेरा पूरा टेलीग्राम चैनल भर चुका है कि उन लोगों ने अपने स्क्रीनशॉट्स मुझे सेंड करे हैं, एंड मेरा खुद का पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा बढ़िया हो चुका है। आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि मैंने कैडिला पे फ्यूचर बाय करवा था, मैंने ग्रैनुअल्स पे फ्यूचर बाय करवा रखा था, खुद बाय करवा था, एंड इन दोनों स्टॉक्स ने और प्लस SCI का शिपिंग इन्वेस्टमेंट ने कॉरपोरेशन के कैश में मुझे इन तीनों ने एक हेवी एंड ह्यूज प्रॉफिट प्रोवाइड करवाया है। यस, आई एम स्टिल होल्डिंग दीज 3 स्टॉक्स, मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूं, मैंने एग्जिट कर दिए बहुत सारे लॉट्स, बट आई एम स्टिल होल्डिंग बिकॉज अब मैं स्विंग ट्रेडिंग की तरफ हूं, फोकस आपको पता है, एंड मैं कैश सेगमेंट पे ही था, बट अब मेरे को जो फ्यूचर्स पे लॉट्स के थ्रू दिख रहे हैं, क्योंकि अब मैं क्वांटिटीज पर रिस्क ले सकता हूं, क्योंकि एक्चुअल पे अगर मैं इतना प्रॉफिट अर्न कर चुका हूं तो मैं क्वांटिटीज के थ्रू रिस्क लेकर काम कर सकता हूं। सो जिस तरीके से मैंने देखा कि मेरे कैपली पॉइंट अराउंड मैं बताऊं तो शायद 9.5% या पता नहीं कितने परसेंट का रिटर्न दे रहा है, यस आई थिंक 9.5-10% का रिटर्न दे रहा है कैपली पॉइंट भी, और हम लोग बात करें ग्रैनुअल्स की तो ग्रैनुअल्स भी अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, और SCI 8-9% का रिटर्न दे रहा है हमें, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने कोई यहां पर स्टडी या सीख ली होगी कि जो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है अगर आप उसके बेसिस पे ही फॉलो करेंगे आप लोग रिटर्न अच्छा जनरेट कर सकते हैं। ये पूरी स्टडी थी कि अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर बनना चाहे मेरी तरह तो आप लोग एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं, मंथली की, डेली वाइज में नहीं कह रहा, मंथली की कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं गाइस। सो आई होप आप लोगों ने यहां पर कुछ सीखा होगा। ये जो मैं स्टॉक्स देता हूं वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करिए, कोई भी आप लोगों को मूवमेंट दिखती है, हमारे बाइंग लेवल पर दिखता है तो बाय करिएगा, एंड आप लोगों को रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। अब बात करते हैं आज कौन से स्टॉक्स पर ट्रेड कर रहे हैं। सेम मैं आप लोगों के लिए 2-3 इंट्राडे के लिए स्टॉक्स लेकर आया हूं, एक दो आप लोगों के लिए पोजिशनल लेकर आया हूं जो कि स्विंग ट्रेडिंग है। ये मैंने टेलीग्राम पे भी अपलोड करा था, तो एक बार टेलीग्राम की भी झलक मार लेते हैं कि किस तरीके से वहां पर भी वर्क हो रहा है, और अपने चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ। सो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने अपना टेलीग्राम चैनल ओपन कर लिया है, एंड यहां पे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का मैंने टेलीग्राम का चैनल ओपन करा हुआ है, जिसपे मैं आप लोगों को जनरली बताते रहता हूं कि कौन से बढ़िया स्टॉक्स हैं जिसपे आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो सबसे पहला स्टॉक जो मैंने आज ही आप लोगों को बताया वो है वॉकहार्ट फार्मा, 550 रुपीज पे मैंने बता रखा है, बट ये 550 रुपीज पे तो अब बता रखा है, मैंने 520 रुपए में भी आप लोगों को कम से कम एक हफ्ता पहले रिकमेंड करा था इसी चैनल के अंदर। यस, एक हफ्ता मैंने पहले 520 रुपए में भी रिकमेंड करा था। उसके अलावा मैंने आप लोगों को ग्रैनुअल्स इंडिया, ये स्टॉक आप देख रहे हैं ये चार्ट पैटर्न एग्जैक्ट, ये ग्रैनुअल्स इंडिया ट्रेड कितने पे कर रहा है, 338 रुपीज पे, ये स्टॉक आप लोगों को सजेस्ट कर रहा था, टारगेट था हमारा 400 का, एंड आज ये 353-354 तक होके आया है,
ठीक है। इसके अलावा यहां पर आप खुद भी देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जिनके थ्रू इन लोगों ने ये द्वारिकेश आप लोगों को बताया गया था 10-15% का रिटर्न दे चुका है। ग्रैनुअल्स आप लोगों को बताया था, जिंदल सो सारे स्टॉक्स आप लोगों को ऑलरेडी बता रखे हैं एंड ये स्टॉक्स सबके स्क्रीनशॉट्स हैं, आप यहां क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यहां पर आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। इस चैनल को फॉलो करिए गाइस, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस से जा रहे हैं तो यहां पर आपको एक बेनिफिट प्रोवाइड हो सकता है। सो प्लीज यहां पर थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। अगर मैं आप लोगों को एक एक मिनट के अंदर या 5-5 मिनट के अंदर कुछ पैटर्न बना के दिखाऊंगा, आप देखोगे कि वो अपने स्टॉप लॉस को रीच करके टारगेट्स को रीच कर रहे हैं, तो वहां पर मैं सजेस्ट करूंगा इंट्राडे अभी के लिए थोड़ा सा कम करिए, जब तक मार्केट सेटल नहीं हो जाती है, जब तक मार्केट 14,700-14,750 के ऊपर होल्ड ना कर ले या फिर एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन ना दे दे, अभी आप पोजिशनल या ये लेकर चलिए, क्योंकि 5-5% एक एक दिन के अंदर मिल रहा है, अगले दिन ही मिल रहा है, यहां पर आप फायदा उठा सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने का। तो चलिए चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ एंड देखते हैं कि अब कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको बढ़िया रिटर्न देकर जा सकते हैं। सो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, हम लोग अपने चार्ट सेटअप पे आ चुके हैं। आप एक बार वॉच लिस्ट की तरफ ध्यान दीजिएगा, इस वॉच लिस्ट पे आप देखिएगा सबसे पहला स्टॉक SCI आप लोगों को प्रोवाइड करवाया था। आप कमेंट्स पे भी हमारे पास बहुत सारे आए हैं कि उन लोगों ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट अर्न करा है, 8% का रिटर्न आप लोगों को कल ही प्रोवाइड करवाया था। कोफोर्ज 1.5% का रिटर्न, द्वारिकेश 7.5% का रिटर्न, ग्रैनुअल्स 6% का रिटर्न, कैडिला 6% का रिटर्न, कैपरी पॉइंट 2.5% का रिटर्न आज ही के दिन हमें देखने को मिला है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से हमारी वॉच लिस्ट वर्क करती है, अगर आप इसी के भरोसे रहोगे आप लोग कुछ ना कुछ तो अपनी इन्वेस्टमेंट में अर्न करके जाओगे। अब तो मेरे पापा भी खुश हो गए क्योंकि हमने जब से उनका अकाउंट स्टार्ट करवाया वो भी कुछ ना कुछ कमाए जा रहे हैं। सो आई होप आप लोग भी अपने फादर्स को प्राउड करेंगे एंड वहां पे आप देखिए स्टार्ट करिए। डर लगता है डेफिनेटली मार्केट पे आने में लोगों को, बट मैं आपको कह रहा हूं आप सिर्फ अगर मेरी स्विंग कॉल्स के थ्रू काम करोगे, पेशेंसली वेट करोगे, आप लोग कुछ साइड इनकम अर्न कर सकते हो। मैं इंट्राडे के लिए नहीं कह रहा ना, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, बट अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग या BTSD प्रेफर करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले स्टॉक की जिसका नाम है CUB, सिटी यूनियन बैंक। बाय करने की सलाह दी जा रही है, आप क्लियरली यहां पर देख पा रहे हैं एक शार्प अपमूव, उसके बाद एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था, रेंज के अंदर कंसोलिडेट करने के बाद आप यहां क्लियरली देख सकते हैं टाइप ऑफ क्रिएटेड अ डबल बॉटम टाइप ऑफ सिनेरियो। क्या क्रिएट कर रहा है? डबल बॉटम टाइप ऑफ सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, शार्प फॉल अपमूव करा, नीचे आया, डबल बॉटम क्रिएट करा, दोबारा ऊपर गया। अब ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? लाइन इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इस लेवल से एग्जैक्टली नीचे आया था, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा है कैंडल ब्रेकआउट दी, नेक्स्ट कैंडल दोबारा नीचे, दोबारा कैंडल ने ब्रेकआउट दी, नेक्स्ट कैंडल से दोबारा नीचे, उसके बाद दोबारा ही नीचे गया और ऊपर जाके क्लोजिंग देखने को मिली, विच इज अ वेरी गुड साइन। मतलब ये सेम तरीके से फॉलो कर रहा है जैसे ट्रेंड कर रहा था। ट्रेंड भी आप लोगों को स्टॉक मैंने कल सजेस्ट करा था, सॉरी परसों सजेस्ट करा था कि आप लोग आज ट्रेड कर सकते थे, बट आप लोगों ने, अभी मैं ट्रेंड का भी स्टॉक लेकर आऊंगा, डोंट वरी। ये एग्जैक्ट परफॉर्म इसका मतलब क्या, देखिए समझने की कोशिश करिएगा, ये बताना आपको ये चाह रहा है कि नीचे जाने की जितनी कोशिश कर ले ये ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। इवेंचुअली अगर ये एक दो दिन भी पॉज कर रहा है, बट इसका कहने का मतलब यह, अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो आप इसे रोक नहीं पाओगे, पकड़ नहीं पाओगे। सो वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करिए, क्वांटिटीज अभी कम रखिए और ऊपर जाता है ऐड करते रहिए। आई थिंक आपको यहां से कम 6-7 या 10 रुपए आराम से दे देगा भाई, 170 रुपए का स्टॉक है, ऑलमोस्ट आप लोगों को 5% का भी रिटर्न दे रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन विद इन 2-3 डेज। इस स्टॉक को बाय करिएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार चलते हैं, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखते हैं बाय कब करना है। बाय की बात आती है तो बाय हम लोग कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को एट दिस पर्टिकुलर लेवल, जस्ट वेट अ सेकेंड, ठीक है। ये देखिए ये एक रेंज के अंदर कम काम कर रहा है, इस रेंज के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है, यानी कि 171 का अगर ब्रेकआउट आता है, गो फॉर अ बाय, ठीक है। अगर कोई बात नहीं है, डिप भी देता है कल के सेशन पे, अगर ये कल डिप देता है 1-2 रुपए नीचे आता है तो भी बाय कर सकते हैं, आप लोगों को अच्छा रिटर्न ये दे सकता है विद इन अ कपल ऑफ डेज, मैक्स टू मैक्स 2-3 दिन लगेंगे। इस स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जरूर ऐड करिएगा। अब बात करते हैं ट्रेंड की। ये स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड करा था, आपने वीडियो देख लिया स्टार्टिंग पे ऑलरेडी। स्टॉक ने क्या करा है, लेट्स मूव टू अ डेली टाइम फ्रेम। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं स्टॉक ने क्या करा है। सबसे पहले तो पैटर्न को स्टडी करिए, क्या बता रहा है ये स्टॉक, मैंने रिकमेंड करा है आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के अंदर काम कर रहा था, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, एक शार्प फॉल आई है, एग्जैक्ट यहां पर हॉल्ट करा, उसके बाद क्या करा स्टॉक ने,
ये दोबारा इस लेवल पे नीचे आया, दोबारा ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, मतलब इसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है एग्जैक्ट इसी लेवल पे, ये भी नीचे जाके ही ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, विच अभी हम लोगों ने जो सीयूबी की बात करी एग्जैक्ट ये स्टॉक वैसा है। अब 15 मिनट की जब हम लोगों ने स्टडी करी थी, हम लोगों ने एक चीज देखी थी, क्या देखी थी कि ये स्टॉक ने कम से कम, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कम से कम इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट मार्च 2021 से ब्रेकआउट नहीं दिया, ठीक है, जब से इसने इसके नीचे का ब्रेकडाउन दिया है तब से इसने अभी तक ब्रेकआउट ही नहीं दिया इस लेवल के ऊपर, और आप देख रहे हो किस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है, कम से कम 3 महीने से ये कंसोलिडेट कर रहा है एग्जैक्ट अपने इसी लेवल के आसपास। आज इवेंचुअली इसने बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया, यस मैंने यहां पर अपना फ्यूचर्स बाय कर रखे हैं, अराउंड यहां पर हम लोगों ने इस पर्टिकुलर स्टॉक पे अपना फ्यूचर बाय कर रखा है मे का 796-797 के आसपास इस पर हम लोगों ने पोजीशन बनाई रखी है, एंड मैंने अपने लाइफ टाइम वाले क्लाइंट्स को भी बाय करवा रखा है फ्यूचर्स पे, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्टॉक पे कल हम लोग एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर ये स्टॉक नीचे भी आता है कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं अगर ये स्टॉक नीचे आ जाए तुरंत बाय करने के मौके है, ठीक है। क्या होता है जनरली मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये होता है इसकी वजह से आप लोग बहुत अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकते हैं। क्या रीजन है, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इतना टाइम कंसोलिडेट करा है, ब्रेकआउट देने के बाद क्या होता होगा, देखिए इतना ज्यादा जब ये कंसोलिडेट करता है ना, ये स्टॉक इतना ज्यादा कंसोलिडेट करता है, यहां कंसोलिडेट करा और इतनी शार्प फॉल यहां दिया है, तो अगर कोई भी पुराने इन्वेस्टर्स या कोई भी बंदे ने अगर पुराना इसे बाय करा होता है, वो देखता है यार इतने टाइम बाद इसने इसके ऊपर गया है, हम लोग निकल जाते हैं, ये माइंडसेट होता है सब लोगों के माइंड में, यार मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट में आया, मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा है, मैं निकल जाऊं क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक इसे होल्ड करा हुआ है, बट इवेंचुअली यहां पर आप लोग फंसते हैं। यस ये स्टॉक में अगर किसी ने यहां पर बाय करा होगा इतने पुराने लेवल्स पे और इसको एक ब्रेकआउट दिखा होगा, बहुत लोग निकले होंगे, सो ये स्टॉक इवेंचुअली हल्का सा नीचे आ भी सकता है, होने को नहीं भी है और होने को आ भी सकता है, तो हमें दोनों सिनेरियो लेकर चलना है। अगर ये नीचे आता है और अगर एक रिवर्सल हल्का सा भी दिख जाए, गो फॉर अ बाय, बिकॉज ये अच्छे रिटर्न विद इन अ कपल ऑफ डेज दे सकता है, और मुझे लगता है कि ये मे सीरीज में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकता है, मैंने इवेंचुअली इसे बाय कर रखा है, तो मैं आप लोगों को खुद ही बता रहा हूं, ठीक है। सो इस स्टॉक को जरूर वॉच लिस्ट के अंदर रखेगा, ये कम से कम आप लोगों को कल की मार्केट के अंदर 15-20 रुपए आराम से दे सकता है, ठीक है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज ग्लैक्सो। इस स्टॉक का डेली चार्ट ओपन कर लेते हैं, ठीक है, डेली चार्ट पे वेट करिए, लेट सी ऑन आर्ली चार्ट, ठीक है। यस आर्ली चार्ट पे आप देखिएगा ये स्टॉक, अगर आप लोग चेक करेंगे इस स्टॉक पे, हम लोग देख रहे हैं कि ये एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था, इवेंचुअली इसने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आया, एग्जैक्ट अपने रेंज को रीटेस्ट करा है, एंड रीटेस्ट करने के बाद आज हम लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके ऊपर देखी है जिसने सारे अपने लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर गया है। आई थिंक इट्स अ गुड साइन, इस स्टॉक को हम लोग बाय कर सकते हैं, इसने बहुत टाइम एक कंसोलिडेटेड रेंज का ब्रेकआउट दिया है, अब यहां पर एक अच्छी मूवमेंट दे सकता है। लेट्स मूव टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर एक डबल टॉप टाइप सिनेरियो एग्जैक्ट इस लेवल पे देखने को मिला है, यहीं से एक शार्प फॉल आई थी, डबल बॉटम क्रिएट करके एग्जैक्ट इधर आया, फिर नीचे आया, सो आई थिंक ये लेवल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि आ रहा है 1490 पे, क्या आ रहा है 1490 रुपीज पे एक लेवल आ रहा है। अब आप देख सकते हैं नीचे आया, रीटेस्ट करा और ऊपर गया, सो आई थिंक ये वाला जो लेवल है क्लोजिंग प्राइस का, ये इंपॉर्टेंट है। करंट प्राइस है 1475, ब्रेकआउट दिया 1472 से, अगर ये कल डिप देता है 3-4 रुपए की, गो फॉर अ बाय, आपको रिटर्न अच्छे दे सकता है, होने को ये कल के कल ही टारगेट अचीव कर रहे हैं, मतलब यहां से आपको 15 रुपए आराम से दे देगा, और अगर ये नहीं देता है तो बीटीएसटी ट्रेड लेकर चले जाना, ये आपको 15-20 रुपए आराम से दे सकता है। ग्लैक्सो है स्टॉक का नाम, याद जरूर रखेगा, अगर नाम याद नहीं रहता तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे लिख देता हूं स्टॉक की नेम, आप वहां के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, जिस स्टॉक का नाम है मयूर, एक सेकेंड, ओके, सो इस स्टॉक की हम लोग बात कर रहे हैं, एंड इसका मैं डेली चार्ट आप लोगों के सामने ओपन कर लेता हूं। इस स्टॉक पे भी आप लोग देख सकते हैं एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करा, रेंज के अंदर कंसोलिडेट करने के बाद आप क्लियरली देख सकते हैं एक ब्रेकआउट, ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद यहां देखिएगा, मैं जोन क्रिएट कर देता हूं आप लोगों के लिए, ये देखिएगा
नीचे आने के बाद एग्जैक्ट इसी जोन को रीटेस्ट करा है, ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट नहीं रह गई है बिकॉज ये मल्टीपल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट मिला है तो एग्जैक्ट यहां रीटेस्ट करा और दोबारा ऊपर जा रहा है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन, यहां पर हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर चल सकते हैं। स्टॉक वीक नहीं है, स्टॉक पॉजिटिव में है, यह आप लोगों को अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो यहां पर आप अगर आप देखेंगे एक स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक पे, तो आप देखिएगा ये एक राउंडिंग बॉटम है, उसके बाद इसका एक हैंडल है। सो यहां पर एक हम कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन देख रहे हैं, इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी ये दे ही चुका है, हम लोग डेफिनेटली बाइंग करके चल सकते हैं। बाइंग का लेवल होगा अबव 453.5 के ऊपर आप बाय बना सकते हो। आई थिंक ये आप लोगों को 459-460 तक के लेवल्स तक तो आराम से लेकर जा सकती है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने चार स्टॉक्स आप लोगों को रिकमेंड कर दिए, ये चारों पे आप लोग स्विंग भी कर सकते हो। मैंने क्या बोला, चारों पे स्विंग भी कर सकते हो, रिटर्न अच्छा मिल जाता है। मेरा जो आप लोगों को पढ़ाने का तरीका है वो है बेसिकली आप लोगों को इन्वेस्टिंग या स्विंग की तरफ लेकर जाने का। इन्हीं डेली चार्ट्स के थ्रू मैं आप लोगों को इंट्राडे के स्टॉक्स दे देता हूं, क्योंकि आप लोगों को नीड, आप लोगों के माइंड में ये है कि मुझे डेली प्रॉफिट अर्न करना है, इसलिए मैं आप लोगों को इंट्राडे के स्टॉक्स देता हूं। अब लोगों की रिक्वेस्ट आने लगी है, बहुत ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आने लगी है ये प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स देखे, ये सारी चीजें देखे कि हमारे एक्चुअल में स्विंग के टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, कि मैं आप लोगों को स्विंग के स्टॉक्स भी प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने किसी भी इन स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करा था तो आप लोग प्लीज हमें टेलीग्राम चैनल पे बताइए, हमारे पर्सनल हम शिवांश भसीन पे आप लोग सर्च कर सकते हैं, मेरी आप लोगों को वहां पर फोटो दिख जाएगी, जो भी प्रोफाइल मैंने यूट्यूब पे लगा रखी है, इसके थ्रू आप मुझे अपने स्क्रीनशॉट्स जरूर सेंड करिएगा, ठीक है। सो यहां पे अब बात करते हैं लास्ट स्टॉक की, जो कि है वोकहार्ट फार्मा, ये स्टॉक जो कि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेकर जा रहे हैं। लेट्स ओपन वीकली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया। यहां पर आप सबसे पहले क्लियरली देखिएगा इस स्टॉक ने 2014, आप ध्यान से सुनिएगा, 2014 की बात हो रही है ये स्टॉक की, ठीक है, सॉरी नॉट 2014 2013 कह सकते हैं आप लोग। स्टॉक ने क्या करा, ये वाला एक जोन देख रहे हैं, ये जोन एक रेजिस्टेंस था, इस जोन में 2014 में इसने ब्रेकआउट दिया, एग्जैक्ट इस लेवल पर रीटेस्ट करा, और रीटेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं, देख रहे हैं कम से कम चार गुना हो गया स्टॉक। क्या बोला मैंने, रीटेस्ट करने के बाद ऑलमोस्ट चार गुना हो गया स्टॉक, उसके बाद पूरा फॉल कर गया, दोबारा रीटेस्ट करा, इस रीटेस्ट से दोबारा दो गुना हो गया स्टॉक, उसके बाद दोबारा नीचे आया, इसने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन करने के बाद रीटेस्ट करा और स्टॉक आधा से भी आधा हो गया। आप देख रहे हैं ये जो रेंज है, ये रेंज कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या बोला मैंने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एग्जैक्ट इसने क्या करा, ये एक अपसाइड, एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट, इसका ब्रेकआउट दिया, एग्जैक्ट इसी लेवल पे आ चुका है। अब यहां से ये ऊपर ही जाएगा, क्या बोला मैंने, यहां से ये ऊपर ही जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा, एक बार रीटेस्ट करा, एक शार्प फॉल हमें देखने को मिली, दोबारा ऊपर गया, नीचे आया, अगर ये नीचे आया तो इसे पूरा नीचे आना चाहिए था, बट ये इसी लेवल से घूम के ऊपर चला गया। अब आप देख सकते हैं फार्मा में और ज्यादा डेवलपमेंट्स हो रही है, आज शक्तिगंता दास जी ने, हमारे आरबीआई गवर्नर ने खुद ही यहां पर फार्मा सेक्टर के लिए और ज्यादा इनिशिएटिव्स या इंसेंटिव्स निकाले हैं, और ये स्टॉक अभी ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है। अगर आप लोगों ने बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स मिस कर दिए हैं तो ये स्टॉक, मेट्रोपोलिस, ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो आप लोगों को बहुत बढ़िया रिटर्न विद इन अ ईयर प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये स्टॉक मुझे लगता है यहां से दो साल के अंदर अंदर डबल या ट्रिपल हो सकता है। इस स्टॉक पे जरूर ध्यान दीजिएगा, इस पर मैंने खुद क्वांटिटीज बाय करी हुई है और हर डिप में इसमें मैं बाय करते रहूंगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म स्टॉक है, इसे डेफिनेटली अपने माइंड में सेट करके रखिएगा और ये आप लोगों को बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है। सो आई होप यहां पर आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ, तो निफ्टी ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दिया है, मैंने आज ही अभी देखा मार्केट क्लोजिंग के बाद, वरना मैं इस पर खुद भी बाय करता और लोगों को बाय भी करवा देता, बट ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने मिस कर दी है। देखिए ये एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था, इस रेंज का इवेंचुअली इसने यहां पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद दोबारा एक कैंडल, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई है, एंड उसके बाद इस दोनों लेवल के ऊपर देखिएगा एक चीज ध्यान है, आपको ध्यान से समझेगा, ये वाली कैंडल और ब्लैक वाली और ग्रीन वाली कैंडल, इन दोनों का जो क्लोज प्राइस है, जो इन दोनों का ये बॉडी का क्लोजिंग है, एग्जैक्ट दोनों की सेम है, ये देख रहे हैं एग्जैक्ट दोनों की सेम है, जो कि आ रही है 14,612 पे। अब इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद नेक्स्ट कैंडल भी उसके ऊपर क्लोजिंग करके आई है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन और यहां पर आप लोगों को अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं सर टारगेट क्या है इस पर्टिकुलर निफ्टी का, तो वो टारगेट है दिस पर्टिकुलर लेवल, वो पर्टिकुलर लेवल क्या है आप यहां देख सकते हैं,
अराउंड 14,690 टू 14,720 तक के लेवल्स हैं। अब बात करते हैं दूसरी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखिएगा, इट मूव्ड डाउन अप एंड डाउन, इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम टाइप ऑफ सिनेरियो। ये तो हमारा फर्स्ट टारगेट हो ही गया। अगर इसका ब्रेकआउट दे देता, जो कि मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग पे बोला, 14,700 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो 15,000, 15,100, 15,300 फिर वो रैली कंटिन्यू रहेगी। बट 14,000 के ऊपर दो दिन की क्लोजिंग हमें डेफिनेटली चाहिए, ठीक है। सो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तो आई थिंक 15,000 का लेवल भी विद इन अ कपल ऑफ डेज आराम से आ जाएगा। इसको आप होल्ड करके चल सकते होंगे तब, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने यहां पर कुछ देख लिया होगा। लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी ने भी एक रेंज का ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा ऊपर गया। आई थिंक इट्स अ गुड साइन। इसका जो टारगेट होगा प्रोबेबली होगा 33,000 का, ऑलमोस्ट यहां से 150 पॉइंट्स ऊपर का टारगेट है जो कि हमें लगता है कि अचीव कर सकता है। अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो और अच्छे टारगेट्स, मतलब 33,400, 33,600 तक भी ये इंडेक्स जा सकता है। सो अभी हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट पॉजिटिव रह सकती है। यहां पर अभी थोड़ा पेशेंसली वेट करिए, आप लोगों को अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं मार्केट के अंदर। दिस इज द टाइम फॉर अ स्विंग ट्रेडिंग। मैं आप लोगों को अभी भी कह रहा हूं, मार्केट डेफिनेटली वॉलेटाइल होगी और यहां पर आप लोग कुछ ना कुछ अर्न करके डेफिनेटली जाएंगे। सो आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अब हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और अगर आप लोगों को दो स्टॉक्स और चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, प्लस टेलीग्राम का चैनल का लिंक नीचे है, वहां हमें फॉलो करना जरूर मत भूलिएगा। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए। कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि अगर आप लोगों ने यहां पर कुछ अर्न करा है हमारे प्रीवियस स्टॉक्स पे, अगर आप लोगों को हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है। लेट्स एम फॉर 1,000 likes। अगर 1,000 likes आते हैं तो मैं और ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करते रहूंगा। सो गाइज, बाय बाय, गुड नाइट।